अगर आप सबको 5,000 रुपये से 50,000 रुपये तक का अमाउंट का ज़रूरत है, पैसा नहीं है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस एप्लीकेशन से आप सबको 5,000 से 50,000 रुपये तक का अमाउंट यहां से प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अगर आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है तो 3 सिंपल स्टेप में यहां पे अमाउंट आप सबको दे दिए जाएंगे। एलिजिबिलिटी चेक होगा, अपलोड KYC होगा, आप सबके बैंक अकाउंट्स में राशि क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। इसके अंदर कैसे आप सबको लोन के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितने दिनों के लिए लोन अमाउंट दिए जाएंगे, सारा डिटेल आप सबको इस वीडियो के अंदर ही आप सबको बताने वाला हूं। तो अगर आप सबको भी पैसे की ज़रूरत है, लोन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट आप सबको बताते हैं कैसे आप सब इस एप्लीकेशन से अमाउंट ले पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सब आएंगे प्ले स्टोर के ऊपर, तो यहाँ पे अगर आप सब सर्च करेंगे स्मॉल बिजनेस लिख करके भी अगर आप सब सर्च करेंगे तो इसका लोगो कुछ इस प्रकार से आप सबको देखने को मिलेगा। या फिर दोस्तों आप सब यहाँ पे ट्रेड ऑफ फिनल लिख करके सर्च करेंगे तो भी आप सबको इसका लोगो इसी तरीके से देखने को मिलेगा। इसी एप्लीकेशन को आप सबको यहाँ से इंस्टॉल करना है, मेरा यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है ऑलरेडी पहले से। दोस्तों इसकी अगर हम डाउनलोडिंग की बात कर ले तो इस एप्लीकेशन को 5 मिलियन से प्लस लोग डाउनलोड कर चुके हैं। रेटिंग की अगर बात करें तो 4.4 का रेटिंग है। तकरीबन 3,34,000 से अधिक लोग रिव्यू दे चुके हैं। रिव्यू पढ़ना चाहिए नीचे आकर पढ़ सकते हैं। तो अप्लाई का स्टेप मैं आप सबको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले किसी भी एप्लीकेशन से अगर आप सब लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसका टर्म एंड कंडीशन आप सबको जो कि बारीकी में होता है समझना चाहिए। तो इस एप्लीकेशन से आप सबको अमाउंट जो है गाइस यहाँ पे मिनिमम 5,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक का राशि आप सबको प्रोवाइड कराए जाएंगे। वहीं इंटरेस्ट की अगर बात करें तो 14% से 28% लगाए जाएंगे एनुअल के हिसाब से। लोन रीपेमेंट समय की बात करें तो 3 मंथ से 24 मंथ के लिए यहाँ पे अमाउंट आप सबको दिए जाएंगे। कुछ एग्जांपल भी दिए हुआ है, मान लीजिए कि अगर आप सबको यहाँ से 10,000 का राशि मिल जाता है तो आप सबको यहाँ पे कुल पेमेंट करना होगा 10,450 रुपये 3 मंथ के लिए। ये अमाउंट अगर आप सबको मिल जाता है तो नीचे आएंगे गाइस, तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स वगैरह भी दिए हुआ है। या फिर दोस्तों मान लीजिए कि अगर आप सबको यहां से 30,000 का अमाउंट मिल जाता है 12 मंथ के लिए, ये अमाउंट अगर आप सबको मिलता है तो इंटरेस्ट आप सबको 18% पर एनम के हिसाब से आ जाएगा। प्रोसेसिंग फीस 750 रुपये, टोटल इंटरेस्ट 3,005 रुपये पर मंथ, EMI 2,750 रुपये। लोन आप सबके बैंक अकाउंट्स में क्रेडिट किए जाएंगे। यहाँ पर आप सब देखेंगे 29,250 रुपये आप सबके बैंक अकाउंट्स में जमा किए जाएंगे। कुल रिपेमेंट करना होगा 33,000 रुपये। तो ये डिटेल है अगर आप सब यहां से 30,000 का राशि लेते हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो यहां पे दिए हुआ है कि आप सबका एज कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। मिनिमम सैलरी आप सबका कम से कम 12,000 रुपये होना चाहिए फुल सैलराइड का। अगर आप सब बिजनेसमैन हैं तो आप सबका 15,000 रुपये होना चाहिए। तो अब चलिए मैं आप सबको अप्लाई का प्रोसेस बताते हैं। तो मेरा यहाँ पे इंस्टॉल है, इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप सबके सामने कुछ इस प्रकार से पेज आएंगे। तो यहाँ पे गाइज आप सब चाहें तो अपना मोबाइल नंबर से यहाँ पे लॉगिन करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ फिल कर देंगे, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। चलिए फटाफट हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर जो कि फिल कर लेते हैं। तो आप सब सही सही अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिल करेंगे, कंटिन्यू वाले पे क्लिक करेंगे। करने के बाद आप सबके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे फिल नहीं करना है बल्कि ऑटोमेटिक ही यहाँ पे आप सबका फिल कर लिया जाएगा। उसके बाद आप सबको जो भी अमाउंट्स मिलेंगे गाइज आप सबको कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। जो भी अमाउंट्स मिलेगा यहाँ देखने को मिलेगा, योर क्विक कैश इन जस्ट 5 मिनट लिखा हुआ है। अब 5 मिनट में आप सबको ये अमाउंट मिल सकता है। जो अमाउंट मिलेगा स्क्रीन पे शो होगा, तो यहाँ पे देखेंगे 36,000 रुपये शो हो रहा है। तो इस अमाउंट को अगर आप सब लेना चाहे तो यहाँ गेट मनी नाउ लिखेगा, इस वाले पे आप सब क्लिक करेंगे। तो उसके बाद का यहाँ पे आप सबको कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करने होंगे। बेसिक डिटेल्स में आप सबको अपना पैन नंबर यहाँ फिल करने होंगे, फुल नेम जो आप सबके पैन कार्ड पर है यहाँ पर फिल कर देंगे, व्हाट इज़ योर जेंडर यहाँ पर आप सब जेंडर में मेल है या फीमेल है, मेल है तो इस वाले पर टिक करेंगे, फीमेल है तो आप सबको इस वाले में टिक कर लेना है। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, आप सबको अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फॉर इम्प्रूविंग क्रेडिट स्कोर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप सबको क्या करना है, फैमिली डिटेल्स यहाँ पे आप सबको फिल करना है।
और यहाँ पे आप सबको लोन पर्पस जो कि सिलेक्ट कर लेंगे किस चीज़ के लिए आप सब इस लोन को लेना चाहते हैं, वो रीजन आप सबको यहाँ पे दे देना है। इस वाले में सिलेक्ट योर लोन पर्पस, इस वाले में सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे फैमिली डिटेल्स में आप सब चाहे तो यहाँ पे फादर्स, मदर या स्पाउस का भी यहाँ पे नेम दे देंगे। उसके बाद इस चेक बॉक्स में चेक मार करके कंटिन्यू कर लेंगे। उसके बाद का यहाँ पे आप सबको केवाईसी करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट्स केवाईसी है। तो यहाँ पे आप सब चाहे तो दो ऑप्शन मिलता है। पहला आप सब अगर यहाँ पे डिजी लॉकर से करते हैं तो फास्ट यहाँ पे आप सबका प्रोसेस हो जाता है, जिसमें गाइज आप सब अगर डिजी लॉकर से करना चाहते हैं या फिर जनरेट ई आधार इससे करना चाहते हैं तो आप सबके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो ही आप सब इस दोनों स्टेप को कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप सबके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो डिजी लॉकर से या फिर जनरेट ई आधार से कर लेंगे। आप सबके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, डालेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका आधार जो कि ले लिया जाएगा। या फिर आप सब अपना आधार को यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं फ़ोटो खींच करके तो यहाँ पे आप सबको मिलेगा अपलोड आधार का, इस वाले में क्लिक करके यहाँ से आप सब अपना आधार कार्ड जो कि अपलोड कर देंगे KYC के लिए। उसके बाद गाइस अब आप सबको यहाँ पे बैंक का इन्फॉर्मेशन फिल करना है। बैंक इन्फॉर्मेशन में IFSC कोड को यहाँ फिल कर लेंगे, बैंक अकाउंट्स नंबर आप सब यहाँ डाल लेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर को यहाँ फिल कर देंगे, अकाउंट होल्डर नेम यहाँ डाल देंगे, सेलेक्ट अकाउंट टाइप है इस वाले में आप सबको अपना अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है कि आप सबका जो अकाउंट है करेंट है तो इस वाले में टिक कर देंगे, सेविंग है तो इस वाले पे टिक कर देंगे, अगर आप सबका अदर है तो इस वाले में अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद आप सबके बैंक अकाउंट्स में राशि को क्रेडिट कर दिए जाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज मिल जाएगा और आप सबके बैंक अकाउंट्स में क्विक जो है राशि को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप सब इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अगर आप सबके एरिया में इस एप्लीकेशन का सर्विस अवेलेबल है तो इस तरीके से आप सब इस एप्लीकेशन से अमाउंट को ले सकते हैं। अभी आप सब देखेंगे गाइस कि मेरे एरिया में जो है फिलहाल अभी सर्विस अवेलेबल न होने के कारण मैं यहाँ पे नहीं ले पाया हूँ। आप सब देखेंगे साफ लिखा हुआ है कमिंग सून लिखा हुआ है, मतलब कि अभी मेरे एरिया में जो है सर्विस अवेलेबल ही नहीं है, जिसके वजह से मुझे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई अमाउंट नहीं मिल पाया है। अगर आप सबके एरिया में अवेलेबल होगा तो यहीं पे आप सबको अमाउंट देखने को मिल जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो अगर आप सबके एरिया में अवेलेबल होगा तो कुछ इस प्रकार से अमाउंट देखने को मिल जाएगा, यहीं पे आप सबको जस्ट 5 मिनट के अंदर अमाउंट दे दिए जाते हैं 3 सिंपल ईजी स्टेप में। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे 36,000 अमाउंट दिखा रहा है, इस तरीके से अगर आप सबको अमाउंट दिखाई देगा और यहाँ पे गेट मनी नाउ का ऑप्शन आएगा तो समझिए कि आप सबको लिमिट मिल गया है, आप सब आसानी से यहाँ से अमाउंट को ले सकते हैं। तो मुझे अभी फ़िलहाल देखेंगे नोटिफाई लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे एरिया में अभी फ़िलहाल अवेलेबल इस एप्लीकेशन का सर्विस अवेलेबल ही नहीं है मेरे सिटीज़ में, इसलिए मुझे यहाँ पे नहीं मिल पाया है। अगर आप सबके एरिया में अवेलेबल होगा तो आप सब ट्राई कीजिए, अमाउंट मिल जाएंगे आसानी से, आप सब इस लिमिट को ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे का स्टेप कम्प्लीट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पर मिला ही नहीं है। तो मैंने आप सबको जो डिटेल्स यहाँ पर फिल करने हैं वो मैंने आप सबको बता दिया हूँ किस तरीके से आप सबको फिल करना है। तो वीडियो को पूरा देखे होंगे तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप सब अप्लाई करके ले सकते हैं। सो गाइस मान लीजिए कि अगर आप सबके एरिया में भी इस एप्लीकेशन का सर्विस अवेलेबल नहीं है और इमरजेंसी में है, चाहते हैं कि किसी न किसी एप्लीकेशन से लोन अमाउंट मिल जाए, तो जहाँ से मैं खुद लिया हूँ अगर आप सब वहाँ से ट्राई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मैंने आप सबको 4-5 वीडियो का लिंक दे दिया हूँ जहाँ से मैं खुद लोन लिया हूँ। तो अगर आप सब वहाँ से लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, चेकआउट कर लेंगे, वीडियो देख लेंगे, उसके बाद वहाँ से जो कि आप सब ट्राई करके ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।